नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हर शाम हम रूबरू होते हैं और हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे भी जुड़ते हैं। और उसी कड़ी में हमारे साथ मुंबई से सीधा रीना रानी जी जुड़ी हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, कई हिट फिल्में दी, कई हिट गाने दिए और कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े, भोजपुरी भाषा का कैसे नाम हो, उसके लिए लगातार प्रयास करती रही, आवाज बुलंद भी किया। आज हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लाइव स्टीज से जुड़ी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ भोजपुरी पे बोल सकती हूँ, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, इसके लिए थैंक यू सो मच। रीना राम जी, मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर आप लोग सब उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड क्यों बनवा रही? अब ये भी कहने की बात है कि उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड क्यों बनवाया जा रहा है, ये भी अब जग जाहिर है कि काम उधर चल रहा है तो लोग उधर ही भागेंगे ना। जिधर रोजगार होगा इंसान उधर ही भागेगा, तो रोजगार यूपी में ज्यादा है तो इसलिए कलाकारों के लिए वहां पे बहुत ही काम अच्छे से शुरू हुए हैं और लगातार ही काम हो रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है कि इंडस्ट्री के लोग आधार कार्ड बनवाएंगे ही, क्योंकि रोजी रोटी तो चलनी है ना, परिवार तो चलाना है ना, अपनी जिंदगी भी चलानी है, तो काम तो लेना पड़ेगा। जिसके लिए आधार कार्ड अगर नहीं बनवाएंगे तो यूपी में काम नहीं कर पाएंगे, तो आधार कार्ड इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि यूपी में हम जाके काम कर सके। फिर बिहार का क्या? बिहार में भी तो भाई अच्छी अच्छी जगहें हैं जहां पर आप शूट कर सकते हैं। बिहार के लोग इतना चाहते हैं, मांगते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं आप लोगों को। अच्छी अच्छी जगहें होना अलग बात है वसीम जी, और रोजगार अलग बात है, रोजी रोटी अलग बात है, जीवन का संघर्ष अलग बात है। सुंदर जगह हो और वहां पे खाने को ना हो, कमाने को ना हो, तो वो सुंदर जगह लेके हम क्या करेंगे, है ना। तो इतिहास तो हमारा बहुत स्वर्णिम है बिहार का, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उसी स्वर्णिम इतिहास को लेके हम कहीं भी फाइट करते हैं, कहीं भी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जबरदस्ती की बात करके कोई फायदा नहीं है। रोजगार है कलाकारों को, खासकर आप देखो तो कलाकार आधार कार्ड बनवा रहे हैं, वहां का डोमिसाइल बनवा रहे हैं कि हम काम मिले। एक पर एक फिल्में बनी जा रही है, और मतलब कलाकार एक बार जो जा रहा है 6-6 महीने आ नहीं रहा है अपने घर मुंबई वापस, क्योंकि वहां इतने ही काम चल रहे हैं। तो बिहार में सुंदर सुंदर बिहार में आप लोगों को काम नहीं मिल रहा, आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए कितना काम है बिहार में, आपके आपके पास तो पूरा डेटा होगा कि बिहार में कितना काम हो रहा है। खासकर हमारी, चूंकि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ मैं उसकी बात करूंगी कि बहुत कोशिश मैं कलाकार हूँ, मुझे भी बेचैनी होती है, और मैं बिहार से हूँ तो और भी ज्यादा बेचैनी होती है कि हम मुंबई में कितनी तरह की बातों को सुनते हैं, कितनी ही तरह की कितने तरह का अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन हम हमारा जीवन है, संघर्ष है, रोजी रोटी है, पेट है, फैमिली है, तो आपको काम तो करना है। तो आप लोग अक्सर मीडिया के सामने आती हैं तो आप लोग कहती हैं कि भाई हाँ, हम लोगों को एक होना चाहिए, हम लोगों को साथ आना चाहिए, हम लोगों को सरकार से मांग करनी चाहिए, सरकार से मिलना चाहिए। तो भाई नई सरकार बनी है, नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी है और डंके की चोट पर सरकार कह रही है कि तमाम वर्ग तमाम लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, तो फिर आप लोग अपनी बातों को क्यों नहीं रख रहे सरकार के समक्ष? सवाल आपका जायज है। अब ये बताइए कि हमारे समाज में हर तरह का डिपार्टमेंट बनाया जाता है कि ये डिपार्टमेंट में आप हैं तो आप आवाज बुलंद करेंगे। मंत्री हमारा एक नेता हम क्यों चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं ना कि वो हमारी चीजों को, हमारी समस्याओं को सुनेगा और वो उसका समाधान ढूंढेगा। अगर मैं भी आवाज, मतलब मैं भी नेतागिरी करने लगू, वो भी नेतागिरी करने लगे, वो भी कुछ करने लगे, तो फिर तो हो गया, बाकी तो काम कर ही नहीं पाएंगे। नेतागिरी करने की तो बात ही नहीं की जा रही है, आपने रोजगार की बात की, तो आप लोग तमाम जो बड़े कलाकार हैं वो तो बातें रख सकते हैं ना, रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते। अभी देखिए मनोज तिवारी जी, जब ही वो आए, जब पॉलिटिक्स में, उन्होंने कहा कि हम भोजपुरी के लिए ये करेंगे, उसको संविधान में जगह दिलाएंगे। रवि किशन जी भी बोलते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, अपने दिनेश जी भी बोलते रहते हैं, जो हमारे बड़े कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, और अभी तो एमपी भी है तीनों के तीनों, तो वो आवाजें तो ये बुलंद कर रहे हैं, और कितनी बुलंद कर रहे हैं और कहां तक कर रहे हैं, जिसकी आवाज पहुंच नहीं रही है, आवाज ही नहीं पहुंच रही है कि बिहार में भी दो अटके
दो अच्छे और बड़े कलाकार का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने उनसे बात की और हमने जानने की कोशिश किया कि आखिर कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। तो जब हमने यही सवाल उनसे पूछा था तो खेसारी लाल यादव ने कहा था कि अगर मैं मिलूंगा तो लोग मुझे राजनीति का हिस्सा मान लेंगे और मैं राजनीति में आना नहीं चाहता, उस तामझाम में आना नहीं चाहता। यश कुमार मिश्रा ने कहा कि एकजुटता नहीं है हमारे में, यह भी एक कारण है कि हम धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं और बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में ताला लग चुका है। और आप कह रही हैं कि कुछ और ही है मसला, कुछ और ही मसला। जैसे मैंने ये बोला मसला होने की, कि आवाज कहते हैं ना कि जब हम कहते हैं कि हमने बात रखी है, हम सदन में गए थे, हमने संसद में बात रखी है, प्रस्ताव के लिए भी दिया हुआ है, लेकिन वो कितनी बुलंदी के साथ आप दे रहे हैं, आपकी आवाज कितनी बुलंद हो रही है उस चीज को लेके, उस पर भी डिपेंड करता है। चीजें कहाँ तक दब जा रही है, कहाँ तक नहीं जा रही है और कहाँ बीच में प्रॉब्लम आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सालों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि भोजपुरी को एक संविधान में मतलब अपने वो भाषा की जो लिस्ट है उसमें शामिल करने की बात चल रही है, कब से चल रही है, अभी तक शामिल नहीं हुई। दूसरी बात, बिहार में रोज बिहार के लोग चाहे मुंबई आके काम कर रहे हैं, चाहे यूपी जाके काम कर रहे हैं, बिहार में काम ही नहीं कर पा रहे। तो ये तो हमारे नेताओं की मतलब हमारे नेताओं की कमी मानेंगे ना, कि नेता हमारे क्या सोच रहे हैं हमारे बिहार के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे रोजगार के लिए, वो कितना सोच रहे हैं। अगर सोचते तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती खाली भाषण। सीधा सवाल, हम सीधा सवाल ले लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से। रीना रानी जी, आप तो जुड़ी हुई हैं और आपने कई हिट फिल्में, कई हिट गाने और कई सीरियल्स वगैरह जो आए हैं उसमें अच्छा आपने अनुभव किया है, ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स है या सब कुछ ठीक है? डर्टी पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी कि ग्रुपिज्म है, ग्रुप बनता है। अगर मैं कहीं गई, हालांकि मेरी वैसी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अगर किसी फिल्म में गई तो मेरा यही काम रहेगा, उनको ले लो, उनको ले लो, उनको ले लो, उनको ले लो, मतलब अपने ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको ले लो। अगर तीसरा नाम कोई आता है तो वहां प्रॉब्लम होता है, वो आउटर ही होता है। जी, इसकी शुरुआत किसने की, ग्रुप बनाने की शुरुआत किसने की? किसी एक का नाम नहीं ले सकते। अगर मेरे पास, आप ये कहते हैं ना कि अपने से कमजोर को हर कोई दबाता है, अपने के अपने, अभी क्या है कि जैसे मुझे पावर, पद, प्रतिष्ठा मिलती है तो चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती है, वो हमारे अंदर आ ही जाता है कि हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, हम जो चाहेंगे वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, नहीं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। तो ये तो इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज होती है, और जब उसके पास पावर आता है, उसकी जगह बनती है, तो अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करता है, वो किसी एक का नाम इसमें नहीं ले सकते, बहुत सारे लोग करते हैं। आपको पता होगा कि कितने सारे लोग करते हैं, अपने टीम के लोगों को काम देते हैं, बाकी बाहर वालों को नहीं देते हैं, ऐसा होता है। देखिए, नए कलाकार जो आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं उनका मानना है और कहना भी है, और अब तो खुले मंच से वो तमाम कलाकार कह भी रहे हैं कि जो अभी स्थिति, वर्तमान में जो स्थिति है भोजपुरी इंडस्ट्री की, बद से बदतर, उसका सीधा का श्रेय जो है वो बड़े कलाकारों को जाता है जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, खुले मंच से एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे पर तंज कसना, ग्रुपिज्म करना, और कहीं ना कहीं जो अब नए कलाकार आ रहे हैं उनसे ही सीख कर ही अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, सबके पास एक दूसरे का नंबर है, चाहे तो ये लोग आपस में बात करके भी सॉर्टेड कर सकते हैं अपनी समस्याओं को। आजकल ये फैशन हो गया है कि लाइव आ जाओ और एक दूसरे के बारे में बोलते चले जाओ। मुझे लगता है कि इस चीज को वो आपस में बात करके भी खत्म कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूट्यूबर जो होते हैं ना, छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो होते हैं, उनको इसका फायदा मिल जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से बाइट उठा के उनका ऐसे हेडलाइन, अंदर कुछ मसाला रहता है, ऊपर कुछ मसाला देते हैं, उनकी व्यूज बढ़ते हैं, वो बेचारे गरीब यूट्यूबर्स के पेट भर रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है उसकी। जो सब इस्तेमाल किया जा रहा है वो सही है,
जो शब्द लाइव आकर इस्तेमाल किया जा रहा है वो रीना रानी जी को सही लग रहा है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, शब्दों का चयन होना ही चाहिए। शब्द पे मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं एक दूसरे पे लांछन लगाने की बात कर रही हूँ कि एक दूसरे को लांछन लगाना। मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ कि फोन नंबर है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, फोन करिए, बात करिए, मीटिंग करिए, मिलके चीजों को सॉर्टेड करिए। लाइव आके कुछ भी बोलना वो सही नहीं होता है, लेकिन आप और हम कितना लगाम लगाएंगे उनके ऊपर, उनकी मर्जी है, उनका चैनल है, उनका सोशल मीडिया अपना अकाउंट है, वो कहेंगे हमारा है, हम आगे करेंगे, आप बातें करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक ये भी उठाई जाती है, उंगलियां उठाई जाती हैं कि आप कौन होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपस में बात करके चीजों को सॉर्टेड किया जा सकता है। ये सोशल मीडिया पे और कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस का एक पार्ट भी हो कि चलो एक दूसरे पे ऐसे ऐसे करो, हमारा गाना हिट हो जाए, हमारी फिल्म हिट हो जाए, बस हो सकता है एक भी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो इन दोनों, मतलब लोगों की, कि भाई हम ऐसा बोल के हमारा भी गाना हिट हो जाएगा, उनका गाना आया चाहे उनकी फिल्म आए चाहे उनका ये हो, तो एक दूसरे पे उंगलियां उठा के हम सब हिट करा लेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है। बड़ा या एक नंबर पायदान पर तो दर्शक ही लाते हैं अपने प्यार और स्नेह और आप लोगों को आशीर्वाद देकर, जो कहें आप लोगों को मानते हैं, आपके चाहने वाले हैं, फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है। उसके बाद भी क्या लग रहा है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं फर्स्ट की लड़ाई चल रही है, और यह भी एक कारण है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में धीरे धीरे ताला लगता जा रहा है? ताला नहीं लगता जा रहा है, इस चीज को मैं अग्री नहीं करूंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे ताला लगता जा रहा है। दिन ब दिन फिल्में बनती जा रही है, रिलीज हो रही है, अच्छा मार्केट कर रही है। अभी आप दो दो तीन तीन फिल्में, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया कि वहाँ रोजगार है, वहाँ छह छह महीने कलाकार जो हैं वो रह जाते हैं, घर नहीं जा पाते, इतना काम है। तो हम जो भी बात करेंगे बिहार में जो वर्तमान में परिस्थिति उत्पन्न है उस पर बात करेंगे। तो आपको नहीं लग रहा कि बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में ताला लग रहा है? बिहार में लग रहा है काम की कमी है बिहार को। जैसे पहले जाती थी, आज से 15 साल पहले जो यूनिट जाती थी शूट करने, अब नहीं जा रही है, अब सिर्फ यूपी ही जा रही है, बिहार में कहाँ जा रही है। मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा कि जहाँ पे रोजगार होगा लोग वही भागेंगे, जाएंगे वही बिहार में रोजगार। पीछे का कारण तो यही मान के चले ना रीना रानी जी कि मैं फर्स्ट में ही सब लगे हैं और उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं, चलो उत्तर प्रदेश चलते हैं, बिहार में कुछ हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, उसके लिए ना आवाज उठाना है, ना किसी को कुछ बोलना है, ना उसके लिए कुछ आगे करना है। उत्तर प्रदेश में वो सुविधा मुहैया कराई गई है तब लोग उधर भाग रहे हैं, वो सुविधा हमारे बिहार में मुहैया कराई जाएंगी तो हम उधर भागेंगे, कलाकार उधर जाएंगे। कोशिश तो दिख नहीं है, सवाल यही है रीना रानी जी की, कोशिश तो दिख नहीं रही है। पवन सिंह को आप बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं और बहुत पहले से जानती हैं, आरा से बिलोंग करते हैं, बिहार के ही लाल हैं, खेसारी लाल यादव भी बिहार से हैं। आप बताइए कि क्या ये तमाम बड़े कलाकार, या हम बात करें सुदीप कुमार जी की ही, वो गया से बिलोंग करते हैं, क्या लग रहा है कि ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी हिट फिल्में दी हैं, बिहार के दर्शकों ने, बिहार के तमाम नौनिहालों ने उनको सुना है, उनको चाहा है, स्नेह दिया है, आप लोगों को रोजगार मिल गया, आप लोग उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर चुके, छह छह महीना आप लोगों को उत्तर प्रदेश में रहना पड़ रहा है, इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश में आप लोगों को काम मिल रहा है, पर बिहार के नए कलाकार जो उभर रहे हैं, जिन्होंने आपको देखा है, आपको चाहा है, आपके चाहने वाले हैं, आपके अदाकारियों को देख कर वो इंस्पायर होकर आगे आए, उन कलाकारों का क्या उन लोगों का भी आधार कार्ड आप लोग बनवाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए? सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैंने अब अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है, बाकी लोगों की मैं बात कर रही हूं कि बहुत सारे कलाकारों ने बनवाया है और वो काम कर रहे हैं। मैंने नहीं बनवाया क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं टीवी सीरीज ज्यादा करती हूँ, सीरियल्स ज्यादा करती हूँ, तो मुझे मुंबई ही रहना पड़ता है। बीच बीच में भोजपुरी फिल्में हर महीने ही आती, ऐसा नहीं है, काम आता है मेरे पास, लेकिन डेली सोप में समय नहीं होता है कि मैं जाके फ्रिक्वेंटली मैं भोजपुरी फिल्म कर सकूं। दो चार महीने पे एक बार मैं कर लेती हूँ जब मुझे टाइम का गैप मिलता है। लेकिन सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये पूरे कलाकार बिरादरी की बात आपने उठाई है, तो मैं उस पे ये कहूँ
कि चलो आवाज बुलंद करने की आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों का अपना नाम लिया कि पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, ये आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं? क्योंकि क्या होता है, जब आप एक जगह पे पहुंचते हो तो आपकी आवाज को सुनी भी जाती है, तो ये उनको सही में अपनी भोजपुरी के लिए आवाज, उनका ये कहना होता है कि मैं तो भोजपुरी के लिए ही काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसी भाषा पे तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन भाषा पे काम करना एक अलग, आपने जो सवाल उठाया कि एक अलग है वो, कि चलो मैं भोजपुरी भाषी हूँ तो मुझे भोजपुरी में कोई काम आया मैंने कर लिया क्योंकि मेरी भाषा है, लेकिन अपनी भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, पूरी करनी चाहिए। आप अगर उस जगह पे पहुंच गए हैं कि आपकी आवाज को सुनी जा सकती है, आपकी बात को मानी जा सकती है, तो बेशक जो भी है बिहार से बड़े नाम है जो इंडस्ट्री में, उनको आवाज अपनी बुलंद करनी चाहिए और अपनी भाषा के लिए, अपने जो हमारे जो पीछे की जो पीढ़ी है कलाकारों की, उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत सेल्फिश साउंड करता है कि सिर्फ मैं कर रही हूँ, अपना चला रही हूँ, ये बहुत सेल्फिश साउंड करता है। ये अपने पूरी बिरादरी के लिए सोचना चाहिए उन लोगों को। अच्छा, हमने कई कलाकारों से बात किया रीना जी, तो और उन इसके लोगों लिए ने तो कहा कि हमने जब कई कलाकारों से बात किया तो उनका कहना था कि चेहरे पर कई नकाब हैं। तो आप तो कई कलाकारों के साथ आपने काम किया है, खैर हम सबसे सीधा ही सवाल ले लेते हैं आपसे। पवन सिंह को तो आप अच्छे से जानती हैं ना, तो जैसा वो दिखते हैं क्या वैसे ही जी हैं जी कि उनके भी चेहरे पर हमने नकाब लगा है? क्या है कि जब हम काम करते हैं तो सेट पे हम एक कलाकार होते हैं और अपना अपना कैरेक्टर प्ले करते होते हैं हम लोग, और कैरेक्टर अलग अलग तरह का हम किरदार निभाते हैं, तो कई बार बहुत सारे एक्टर अपने किरदार में भी डूबे रहते हैं, वो कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई कलाकार स्विच ऑन ऑफ वाले हो, जो रीना रानी है वो हो गई, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। कलाकार कई बार बहुत सारे, अभी भी मैं कभी किसी सेट पे जाती हूँ, कई कलाकार ऐसे हैं कि घर से आते हैं तो लगेगा कि आपको पहचान ही नहीं रहे, ऐसा ऐसे जोन में आते हैं, और जैसे ही मेकअप चढ़ता है और सेट पे आते हैं तो पूरी एनर्जी देखने लायक होती है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसके ऊपर नकाब है, कौन रियल है, कौन अनरियल है, आजकल किसी के भी बारे में कहना बहुत। पवन सिंह के साथ तो अच्छा खासा आपका रिश्ता भी रहा है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते और समझते भी हैं, क्योंकि कई फिल्में आप लोगों ने की होंगे साथ में, एक साथ आप लोग कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को समझते भी थे, तो लग रहा है कि वो जैसा दिखाते हैं वैसा ही है। देखिए, आपसे बेहतर इसका जवाब कोई दे नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता, उनके घर वाले हमारे से बेहतर जवाब दे सकते हैं, उनके दोस्त मेरे से बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को आप एक मिनट में कोई जजमेंट नहीं दे सकते, और अपने यहाँ तो रीना हम रानी बहुत बहुत जजमेंटल। बेबाक है, इसलिए हमने रीना रानी बहुत बेबाक हैं, इसलिए मैंने ये शब्द का प्रयोग भी किया है कि आपसे बेहतर कोई दे नहीं सकता इसका बेहतर जवाब। बड़ा मुश्किल होता है किसी के बारे में ना कुछ भी ऐसे अचानक से फटाक से बोल देना, ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, एक स्वभाव होता है, चाहे वो घर में अलग होता है, घर के दरवाजे के बाहर जाता है अलग होता है। कई बार हम लेडीज हैं, मैं बहुत हंसमुख हूँ, बहुत बिंदास हूँ, लेकिन कई बार मुझे रिजर्व भी रहना पड़ता है, कई बार मुझे अपने आप को बहुत रूड भी दिखाना पड़ता है कि अगर मैं रूड नहीं बिल्कुल दिखाऊंगी वहां पे तो बहुत हल्के में ले लिया जाएगा। तो मैं किसी किसी का आकलन एक मिनट में, एक सेकंड में किसी का नहीं कर सकते। हाँ, जैसे आपने कहा कि जानने की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे, मान लीजिए कि किसी कोई अंदर से कैसा है वो बाहर से आप कैसे बता सकते हैं? अंदर की बात तो अगर मैं अंदर से कैसी हूँ वो कोई नहीं बता सकता दुनिया में, मैं ही बता सकती हूँ, मैं ही समझ सकती हूँ। मैं जो आपको बाहर दिखाऊंगी आपको वही दिखेगा, अंदर मेरे क्या चल रहे हैं वो नहीं दिखेगा। आपकी तस्वीर स्क्रीन पर नहीं आ रही है रीना रानी जी, आप एक बार थोड़ा क्यों, देखें। आप दिख रहे हैं मुझे, मैं भी दिख रही हूँ, आपके पास नहीं जा रही है।
मुझे तो आप भी दिख रहे हो, मैं भी दिख रही हूँ। चलिए जब हम भी दिख रहे हैं आपको और आप नहीं दिख रहे हैं, चलिए तो फिर भी हम सवाल आपसे लेंगे कि आपने तो वक्त बिताया है, और ये दूरी की बात नहीं है कि एक होता है कि कम वक्त बिताया होगा तो सस्पेंस होता है, मगर क्योंकि आप लोग एक ही इंडस्ट्री के हैं और कहीं ना कहीं कई सेट पर आप लोगों का मिलना भी होगा, तो ऐसे में तो पहचान करना बहुत ही स्वाभाविक है कि कोई भी किसी को पहचान सकता है कि भाई उसके चेहरे पर नकाब है या फिर जो चेहरा दिख रहा है वो रियल चेहरा है। तो क्या सवाल से बच रही हैं रीना रानी? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी भी, मैं ऐसा कुछ भी किसी के ऊपर भी, अगर आप मेरे बच्चे के बारे में भी पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगी कि मैं इतना जानती हूँ उसके अंदर क्या है वो बेहतर बता सकता है। अंदर क्या है बता दीजिए, पवन सिंह के अंदर क्या, पवन सिंह के अंदर क्या है बताइए। नहीं, एक कलाकार के रूप में बहुत अच्छे कलाकार है पवन जी, बहुत अच्छे सिंगर है, और अब उनकी उनके अंदर क्या चल रहा है, वो समाज को क्या देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, वो उनका लुकआउट है। ठीक है, मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती हूँ। हमारा, आपने जो सवाल किया कि भोजपुरी इंडस्ट्री को चाहे हमारे पीछे जो कलाकार है उनके देने, उनको हम क्या दे रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कहा कि ये जो हमारे खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, आज के डेट में इतना बड़ा नाम है कि वो चाहे तो भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे जो पीछे की आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी आवाज को रख सकते हैं। क्या चाहत नहीं है, चाहत खत्म हो चुकी है? चाहत खत्म हो चुकी है वो बेहतर बताएंगे, क्योंकि आपने जैसे मनोज जी काम कर रहे हैं, रवि जी काम कर रहे हैं, दिनेश जी काम कर रहे हैं, उनका दिख रहा है, उनके काम दिख रहे हैं, लेकिन इनके काम इधर नहीं दिख पा रहे हैं बिहार के लिए। तो अब उनका शायद ये कहना होगा कि हम कोशिश में लगे हैं, हम करने जा रहे हैं, हो सकता है ये जवाब दे, तो फिर अब आप उनसे फिर कब जवाब तो आप तमाम बड़े कलाकारों का एक ही है कि सरकार नहीं कुछ कर रही, सरकार नहीं सोच रही। तो चलिए हम मान लेते हैं कि सरकार नहीं कुछ कर रही है, सरकार नहीं कुछ सोच रही है। आप तमाम बड़े कलाकार, हम लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या आवाज बुलंद कर रहे हैं, अब तक नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर दिखता तो ना ही मैं आपसे इस विषय पर बात कर रहा होता और ना ही मैं आपसे ये तमाम सवाल पूछ रहा होता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि ये सवाल ही नहीं उठता, और ये सवाल तो सबके साथ है, और सब करना चाह रहे हैं कि भाई बिहार में कब तक और कितने सालों तक ऐसी बदहाल स्थिति रहेगी कि काम के लिए हमको अपना शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, चाहे वो अब मेरी इंडस्ट्री की बात हो या कोई और इंडस्ट्री की बात हो, चाहे हमारे युवाओं की रोजगार की बात हो, पढ़े लिखे भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे हमारे जो राजनीति का फेलियर कहेंगे, हमारे पॉलिटिक्स का फेलियर कहेंगे, हमारे नेताओं का फेलियर कहेंगे, कि वो इस दिशा में कदम ही नहीं उठाना चाह रहे, एक दूसरे पे लांछन लगाना, उंगली उठाना, उसके अलावा आगे सवाल तो यही लेते हैं, अश्लीलता पर लेते हैं। देखिए आप कलाकार तो हैं ही, उसके साथ साथ आप एक सशक्त महिला भी हैं। जब अश्लील गाने आप सुनती हैं, बड़े कलाकार बड़े सिंगर जब गाते हैं अश्लील गाना और वो लहंगा चोली और तमाम वैसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपको सुनने में कैसा लगता है? देखिए, अगर आप बोलेंगे सुनने में कैसा लगता है तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ भोजपुरी में यही नहीं है, ये आप लोग मतलब भोजपुरी भोजपुरी अश्लीलता करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि ये तो सब जगह है, हिंदी में भी है, आप साउथ की भी फिल्में देखो, आप बॉलीवुड को देखो, उसमें भी है, उसमें तो वहां तो दूसरा अगर उन चीजों को लेकर के अगर व्यूज बटोर रहा है, टीआरपी बटोर रहा है, तो आप भी वही काम करें, यानी कि आप यही कहना चाहिए कि भाई उसने किया बिल्कुल तो नहीं, बिल्कुल करें तो क्या करें? नहीं, मेरा अभी जवाब पूरा नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि जो सब कर रहे हैं वो हमें भी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो गलत है उसको सीख के क्यों आगे बढ़ना। मेरा ये कहना है कि भोजपुरी में भी अश्लीलता है तो बाकी जगहों पे भी है, सिर्फ भोजपुरी को हम दोष नहीं दे सकते कि भोजपुरी में अश्लीलता है, कई बार भोजपुरी में अश्लीलता है, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं इसमें काम करती हूँ, मैं हिंदी में भी काम करती हूँ,
मेरा मैं ये कतई ही नहीं कह रहा कि भोजपुरी में अश्लीलता है, भोजपुरी बहुत खूबसूरत है, भोजपुरी इतनी खूबसूरत है कि शायद ही कोई दूसरी भाषा जो है वो इतनी खूबसूरत और मधुर होगी। खैर भाषा सभी अच्छी होती है मगर भोजपुरी खूबसूरत है, मगर अभी जो वर्तमान में नए कलाकार आ रहे हैं वो जो चीजें परोस रहे हैं और जिस स्तर की चीजों को परोस रहे हैं, क्या वो सही है भोजपुरी भाषा के लिए? आपको नहीं लगता एक तो ये? परोसना ये गलत है, गलत है, मैं बता रही हूँ। एक तो परोसना गलत है, गलत गलत चीज ही परोसनी गलत है। दूसरी बात, मैं ऑडियंस को भी इसमें दोषी ठहराऊंगी, ऑडियंस भी इसमें दोषी है। जितना ही अश्लील गाना होता है उसी के व्यूज मिलियंस में क्यों जाते हैं? वो देखना बंद कर दे ना, वो सुनना बंद कर दे। जिस दिन वो अश्लीलता देखना और सुनना बंद कर देंगे ना, ये गाना बंद कर देंगे, ये फिल्म बनाना बंद कर देंगे, हमारी ऑडियंस भी ना व्यूज देख देख के बढ़ा देती है, इनका मन और बढ़ता जाता है कि ऐसे ही उनका ये कहना होता है, ऐसे ही गाने हिट होते हैं। अच्छा गाना गाता हूं तो हिट नहीं होता है, तो कौन कराता है हिट, कौन फ्लॉप कराता है? मैं कहती हूँ ऑडियंस को, हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आप अश्लील देखना और सुनना बंद कर दे, ये सारे गाने और फिल्म जो बनती है अश्लील वो सब बंद हो जाएंगे, आप बस देखना और सुनना छोड़ दे, ये आप हमारी लोगों को नहीं ऑडियंस के लगता ऊपर जो नए है। कलाकार आ रहे हैं उनको जागरूक करने की भी आवश्यकता है? हर बार यह कह देना कि भाई व्यूअर्स जो हैं, जो देख रहे हैं उनका दोष है, भाई खुद में भी तो कभी कभी यह एहसास तो आप लोगों को होता होगा ना कि भाई जो नए कलाकार आ रहे हैं, चलिए आप लोग लाइव बहुत आते हैं, तमाम बड़े कलाकारों को हमने आजकल देखा है, एक ट्रेंड सा बन गया है, फट से लाइव आ जाते हैं आप लोग और अपने दिल के जो भी भड़ास है निकाल दिया करते हैं, जो भी सवाल है वो उठा लिया करते हैं। तो भाई एक लाइव तो इसके लिए भी आप लोगों को बनता है कि आए और जो नए कलाकार हैं उनको जागरूक करने की कोशिश करें। आज तक मैंने नहीं देखा कि रीना रानी कभी लाइव आई हो और इस पर एक 2 ही मिनट का बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा जागरूकता वाला बात रीना रानी जी ने किया हो, या खेसारी लाल हो, या पवन सिंह हो, या निरहुआ हो, या मनोज तिवारी है, या कुमार मिश्रा हो, ये तमाम बड़े कलाकारों को मैंने आज तक नहीं देखा रीना रानी जी। क्या आप लोग नहीं चाहती कि बदलाव हो? नहीं, आपने आपने नहीं देखा है, अलग बात है। मेरा सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हाइप पे नहीं है, शायद इस वजह से आपने नहीं देखा होगा। आप जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो वसीम जी, वैसे कई बार मेरे ऐसे इंटरव्यूज अश्लीलता पे हुए हैं, नए बच्चों को भी लेके हुए हैं, मैंने उसमें यही सारी बातें बोली हैं। ऐसा आपने नहीं देखा होगा, अलग बात है, आपकी नजर से गुजरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा व्यूज मिलियंस में नहीं है ना, मेरा हजारों में है, इसलिए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन मैं बोलती अरे जरूर रीना हूँ जब रानी, भी मुझे मौका, जैसे आप रीना रानी कोशिश करती हैं, सुनकर काफी अच्छा लग रहा है और शायद जो लोग आपको क्या देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे ये सुनकर कि चलो कोई तो है, हजारों में ही सही मगर आवाज तो बुलंद कर रही है। मगर जो अन्य कलाकार हैं जिन्होंने एक बिल्कुल पहचान बनाना है, जिनका व्यूज मिलियंस में है, चलिए रीना रानी की तो सब जानते हैं किनका व्यूज मिलियंस में है, किनका हजारों में है, किनका सैकड़ों में है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? क्या उन लोगों ने कोशिश की? सही बात। क्या उन लोगों ने नहीं कोशिश किया? उनकी अभी मानसिकता क्या है? आपने कहा कि अवेयरनेस अवेयरनेस की बात आपने करी, कि हम जो आजकल के जो कलाकार हैं उनको अवेयर करने की बात है, उनको समझाने की भी बात है कि भाई अच्छी चीजों को लाओ, अच्छे तरीके से पेश करो, एक स्टैंडर्ड सेट करो। कोई जरूरी नहीं है, जैसे आपने कहा कि दूसरा कर रहा है तो हम भी करें क्या? वो भी तो बात है ना, कि जब कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत क्यों करोगे? आप अच्छा करो ना, अगर आप आए हो इंडस्ट्री में नाम नए कमाने, कलाकारों का अपना मानना टैलेंट है कि लेके आए। नए कलाकारों का मानना है रीना रानी जी कि हाँ पहले लहंगा चोली को जी, लॉन्च किसने किया भोजपुरी गानों में? तो लहंगा तो है ही, लहंगा तो ड्रेस है ही, लेकिन उस लहंगे को आप परोस कैसे रहे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, प्रस्तुति पे डिपेंड करता है ना वसीम जी, कि लहंगा तो ड्रेस पहले तो है। परोसना बड़े कलाकारों ने ही शुरू किया, लहंगा तो ड्रेस है वो सब जान रहा है, अन्य जो भी ड्रेस है उनको भी आप लोगों ने गानों में डाल दिया, मतलब आप नहीं, जो बड़े कलाकार हैं, जो बड़े सिंगर हैं जिन्होंने एक नाम बनाया है, उन्होंने तो सारा ड्रेस का बिल्कुल जो जो ड्रेस लोग जो है वो नहीं जानते तो वो भी बता दिया। तो अब जैसे लोग बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोगों ने जो करना था कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमारे बाद वालों को क्या करना है, अब उनको भी तय करना पड़ेगा कि भाई हमें क्या करना है, किस रेखा पे चलनी है, किस रेखा पे नहीं चलनी है। वो तो हमें भी तो तय करने के लिए अपना भी तो मोरल होना है ना, अपनी भी तो नैतिकता है ना, कि अगर आज मैं आप मुझे खुद को लीजिए कि मैं हीरोइन क्यों नहीं बनी? 20 साल पहले मैं हीरोइन बन सकती थी,
मेरे में वो कैपेबिलिटी थी, लेकिन मैंने कहा कि मुझे लहंगा चोली पहन के सिर्फ नाचना नहीं है, मुझे परफॉर्मर बनना है, मुझे परफॉर्मेंस देना है, मुझे शबाना आजमी स्मिता पाटिल वाली परफॉर्मेंस देनी है। मैं भी हीरोइन बन के नाच सकती थी लहंगा चोली पहन के गाने में पेड़ के पीछे, और हीरोइन का नाम लेके घूम सकती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं किया ये काम। मैंने हमेशा अपने कैरेक्टर को तरजीह दी, क्योंकि मैं लोगों के पीछे नहीं भागी। आज की डेट में भी मैं चाहती तो जरा सा अपने आप को फ्री कर देती, मैं बहुत सारे काम कर लेती, बहुत सारे काम कर लेती। लेकिन मैंने जिस बीमारी को बड़े कलाकारों ने लाया है, उसे खत्म भी करने की जवाबदेही उनकी बनती है। 100% रवि जी ने बोला, रवि जी ने अपने उस गाने को लेके वो स्टेटमेंट दिया कि मैंने गलती की है, उन्होंने कहा ऐसा अपने, मैंने एक इंटरव्यू देखा था। रवि जी की ही बात, एक रवि जी की ही बात हम क्यों करें, अन्य कलाकारों के भी गाने बहुत अच्छे अच्छे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि रवि जी ने कहा कि मेरा वो समय था, मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे रियलाइजेशन अगर सबको हो जाए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें और बेहतर और अच्छी चीजों को सेट करना चाहिए, तो ये रियलाइजेशन की बात है। ये सबसे पहले आप गलती करते हो, रियलाइज होना चाहिए, सॉरी बोल देना है सिर्फ एक शब्द नहीं होना चाहिए, रियलाइज करके बोलना एक बड़ी बात है, और बोलने के बाद फिर आप वो गलती नहीं करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए, जो जो गंदगी फैला रहे हैं, जो अश्लीलता परोस रहे हैं, ये रियलाइजेशन उनको होना चाहिए कि हम खराब कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम अपने आने वाले भविष्य को, पीढ़ी को सही चीज नहीं दे रहे हैं। वो रियलाइजेशन उनको होना चाहिए, तभी जाके सही। बिल्कुल, आपको सुनकर भी अच्छा लगा, और बातें हुई भले ही रुकावट हो रही थी, मगर फिर भी हमने उन रुकावटों को दूर करते हुए लगातार जुड़ते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम जुड़ेंगे, आपसे आशा भी है कि इस मुहिम में आप हमारे साथ लगातार बनी रहेगी। मगर एक आखिरी सवाल तो जरूर लेंगे, और सीधा सवाल लेंगे, और बहुत शॉर्ट में चाहेंगे कि रीना रानी जी जवाब दें। खैर दे तो जरूर दें, पवन सिंह को लेकर के अभी जो कुछ चल रहा है, उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत खुशी चल रही है, जो कि अब सार्वजनिक हो चुकी हैं, बाकी भी आप ही अपडेट हूं। पवन सिंह जी कैसे लगते हैं अब रीना रानी जी? कलाकार के रूप में तो बहुत अच्छे हैं, मतलब और खासकर उनकी गायकी, इंसान के रूप में जो समाज में दिखते हैं अच्छे दिखते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते रहते हैं, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ कि वो हमेशा अच्छी बातें करते हैं और अच्छी अच्छी दान पुण्य भी करते हैं, लोगों का सहयोग भी करते हैं, और कलाकार तो बहुत अच्छे हैं ही, ये आप भी मानते होंगे, मतलब अदाकारी से ज्यादा उनकी गायकी बहुत अच्छी है, उनके गले में जो सरस्वती विराजमान है, उनकी गायकी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। पवन सिंह अच्छे लगते हैं कि नहीं? कल मैंने तो बोला कि गायकी उनकी बहुत अच्छी है, पवन जी अच्छे लगते हैं, मतलब एक कलाकार को कैसे पसंद किया जाता है, अब आज शाहरुख खान को कैसे पर्सनली ऐसे बोले, शाहरुख खान क्यों पसंद है, शाहरुख खान रोमांस करता है, रोमांटिक हीरो है, उसके रोमांस वाले सीन्स बहुत पसंद है, उसकी आंखों को देख के प्यार हो जाता है, तो कलाकार को ऐसे पसंद किया, रीना रानी की एक्टिंग पसंद होती है लोगों को कि आप वो कैरेक्टर बहुत अच्छा करती किया आपने, मैं आपका फैन। एक चीज बताइए जो कि पवन सिंह में आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आपने कहा कि शाहरुख खान को देखिए, उनकी अदाकारी देखिए भाई, उनकी गायकी बहुत अच्छी है, उनका गाना आप सुनो, गाना इतना बढ़िया लगता है उनका सुनने में, बहुत सूदिंग लगता है, जो अच्छे गाने हैं, जो बहुत सारे उनके सुंदर सुंदर गाने हैं, जो आप सुनेंगे तो आपके दिल को छुएंगे वो गाने, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। बिल्कुल, आप भी बहुत सुंदर बोलती हैं रीना रानी जी, आपको सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, आशा है कि फिर बात होगी हमारी। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लाइव स्ट्रीम से जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों से भी यही अनुरोध करेंगे कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।